हाँ तो भाई साहब, यह है इमाद वसीम, कुर्सी पे बैठ के बक बक करने वाला, बाबर आजम के अगेंस्ट एजेंडे चलाने वाला, 2024 वर्सेस इंडिया के मैच का सबसे बड़ा मुजरिम। कल इसके साथ मोय मोय हो गया भाई, इतनी बड़ी इस बंदे की इंसल्ट हो गई कि ये दुनिया का पहला खिलाड़ी है जो सुस्त बैटिंग की वजह से कप्तान उसको बोल दे, चल बे चल बल्ला छोड़, दफा हो यहां से, तूने बहुत कांड कर दिए मैच में, खराब कर दिया मैच, हरवा दिया हमारा मैच। ये जो दी 100 लीग में 100 बॉलें खेली जाती है, वहां पे इमाद वसीम 29 पे 29 रन बना के खड़ा हुआ है। उससे पहले वो दो मैच ऐसे हैं जो जीतने के जगह पे टीम खड़ी होती है, इमाद वसीम आता है जो कि अंडे देके आउट होके चला जाता है, और कल के मैच में 29 पे 29 बनाया, कप्तान ने गले से पकड़ के बाहर भगाया कि जा, ये तेरे पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये तेरा PSL नहीं है, जहां पे तू टुक टुक करेगा, कुर्सी पे बैठ के तू बड़ी बड़ी बातें करता है, ये तेरी कुर्सी नहीं है, ये पिच है, ये विकेट है, ये 100 लीग है, यहाँ पे पैसा खर्च किया है हमने तुम पे, तुम्हारे ऊपर, तुम यहाँ पे टुक टुक कर रहे हो, 29 बॉल पे 29 रन दी 100 लीग में। काश उस दिन 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर ने ऐसा किया होता तो हम इंडिया से मैच जीत चुके होते। बाबर ने भी ऐसा किया होता, इसको चमाट मार के गले से पकड़ के ग्राउंड से बाहर भगा था ना, कि तू टुक टुक कर रहा है, 23 गेंदों पे 17 रन बना के, 15 रन बना के इसने हमारे ऊपर एहसान किया था। वहां तो फिर भी दी 100 लीग में 29 पे 29 बनाया, इंडिया के खिलाफ इसने 23 गेंदों पे 17 पता नहीं 15 रन बनाए थे, तो बाबर आजम भी उसको उस दिन इसको चमाट मार के बाहर भगा था ना, बहुत अच्छा होता भाई। कल मैं खुश हो गया बहुत, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, जो कुर्सियों पे बैठ के एक दो टके के शो में बैठ के अपने कप्तान को ट्रोल करें, अपनी टीम को ट्रोल करें, और जब उनको मौका मिला तो ऊपर वाले ने कैसे उनको जलील किया, आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा लो। दी 100 लीग जिसमें T20 के हिसाब से 20 बॉलें कम होती है, T20 में 120 बॉलें होती है खेलने को, लेकिन दी 100 लीग में 3 ओवर 2 बॉल कम होते हैं, सिर्फ 100 बॉल उसमें करवाई जाती है, कोई भी बॉलर वहां पे पूरा ओवर नहीं करवाने आता, कोई भी बॉलर वहां पे 4 ओवर करवाने नहीं आता, हर बॉलर को वहां पे 20 बॉलें या 18 बॉलें करवाने होती हैं, तो 20 बॉलें कम है दी 100 लीग में। वहां पे भी ये इमाद वसीम जो कहता है बाबर T20 का बैट्समैन नहीं है, और खुद देखो T20 तो क्या, T20 से भी छोटा फॉर्मेट दी 100 लीग, जहां पे 29 बॉलों पे 60 रन 70 रन बनाने चाहिए, जहां पे जो है कि 12-13 बॉलों पे 29 रन बनती हैं, वहां पे इसने 29 बॉलों पे 29 रन बनाए, और इंसल्ट इसकी देखो भाई, इसने 28 बॉलों पे 28 रन जो है कि 28 बॉलों पे 29 रन बना रखे थे, इसने फिर एक शॉट मारा जो कि डॉट हो गई, वो बॉल 29 बॉल पे 29 हुई, कप्तान ने वहां से आवाज लगाई कि इस दो टके के इंसान को बाहर भगाओ, इसको बोलो जा पाकिस्तान में अपने शो पे किसी पे बैठ, जाके किसी बैट्समैन को ट्रोल कर, वो वहां पे तुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, यहां तेरे बस की बात नहीं है। तो ये इमाद वसीम, हाँ, जो बाबर आजम को गिराना चाहता था, बाबर आजम के खिलाफ जो है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला, आज इसको देखो 100 लीग में, उससे पहले 5 गेंदों पे 9 रन चाहिए थे, ये 2-3 रन बना के जो है कि नॉट आउट वापस आता है, मैच नहीं जितवा पाता, फिर ऐसा होता है कि 5-6 बॉलों पे फिर जो है कि 10-11 रन की जरूरत पड़ती है, फिर ये बंदा खड़ा होता है पिच पे और जो है कि अंडा देके आउट होके चला जाता है, और कल के मैच में तो ये बहुत ज्यादा जलील हो गया, 29 पे 29 टुक टुक टेस्ट मैच खेल रहा था, और जो है कप्तान ने इसको बाहर भगा के पूरे वर्ल्ड में इमाद वसीम की नाक कटवा दी। तो ये तालियां इस पे मैं बजाऊंगा भाई, मैं बजाऊंगा, जो मेरे कप्तान का नहीं मैं उसका नहीं, ठीक है ना।